सोलन का माल रोड जहाँ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता ही है, वहीं शाम को शहरवासी भी माल रोड पर घूमना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले नगर परिषद के ठेकेदार ने पानी की लाइन बिछाने के लिए माल रोड की खुदाई कर दी थी, लेकिन उसके बाद ठेकेदार मानो खुदाई कर भूल गया कि सड़क की मुरम्मत भी करनी है। और यही लापरवाही आने जाने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है, क्योंकि बारिश का पानी खुदाई वाली जगह पर खड़ा होने लग गया है। अधिक वाहन चलने के कारण पानी के छींटे लोगों पर गिर रहे हैं। सड़क उबड़ खाबड़ होने की वजह से लोग गिर रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि कोई कदम नहीं उठा रहा है। शहरवासियों और माल रोड एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील चौधरी ने बताया कि सोलन के माल रोड पर पर्यटक घूमने आते हैं और जब माल रोड की टूटी हालत को देखते हैं तो वह अबाक रह जाते हैं, जिसकी वजह से सोलन शहर की छवि गंदी हो रही है। इसलिए विभाग को चाहिए कि वह तुरंत इसको ठीक करे ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। वहीं सुशील चौधरी ने कहा कि वह लोक निर्माण विभाग को इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वह इस बात का जिम्मेदार नगर परिषद को ठहरा रहा है। इसीलिए वह जिला प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। टूरिस्ट भी आजकल बहुत आ रहा है और सोलन का एकमात्र बाजार मॉल रोड है जहाँ पे टूरिस्ट आना जाता है, बट नालियों के कारण वो दुकान पे नहीं जा पा रहे और उनको सोलन का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा, जिससे हमारे सोलन की इमेज ख़राब हो रही है। सोलन मॉल रोड पर जो नालियाँ खोदी गई थी उसकी वजह से आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए और स्थायी रूप से अच्छे तरीके से मेंटेन करके इस पे, ताकि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। जैसे कि माल रोड पर अभी कुछ समय पहले पानी की सप्लाई के लिए कुछ खुदाई की गई थी, इस सप्लाई जब ये खुदाई की गई तो उसके बाद लोगों को जैसे बारिश आई बाकी सब चीज़ों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कहता है कि हमने म्यूनसिपल कमेटी को नोटिस दे दिया है ताकि वो इसे पूरा करें, पर वो अभी तक हुआ नहीं है और आम जनता को इससे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हमने ये इस समस्या को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के साथ उठाया, उन्होंने कहा कि हम इसे जल्द ही एक दो दिनों में इसे नाली को पूरी तरह से ठीक करवा देंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि माल रोड व्यापारिक संघ का कि माल रोड पर चलते हुए किसी भी आदमी को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज जैसे कि बारिशें हैं तो बारिशों में काफ़ी सामना उन्हें करना पड़ रहा है और इसलिए हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये कार्य पूरा हो।